में स्काइपर कंपनी के ऑटो लेबल की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो मेरे हाथ में देख लीजिए 5 मीटर 5 फीट का एक स्टाफ है। चलिए इसके कवर को हम लोग फाड़ते हैं। कवर को हटाने के बाद हम लोग एक दूसरा कपड़े का कवर उसको भी रिमूव कर देंगे। उसको हटाने के बाद पॉलीथीन को हटाने के बाद ये अपना स्टाफ बाहर निकल आया। स्टाफ को क्या है, जो लिस्ट काउंट वैल्यू है वो 5 mm की, वाइट पट्टी और ब्लैक पट्टी, वाइट पट्टी भी 5 mm की और ब्लैक पट्टी भी 5 mm की, 100 mm 200 mm 300 mm करके इसमें रीडिंग दी होती है। अब स्टाफ को हम लोग बाहर खींचते हैं। ये होल्डिंग बटन है, होल्डिंग बटन को पुश करके फिर इसको रिटर्न हम लोग फोल्ड कर देते हैं। एक 1100 का और 1100 करके इसमें स्टाफ होते हैं। इसके बाद हम लोग ट्राईपॉड को अनबॉक्सिंग करते हैं। एल्युमिनियम का ट्राईपॉड है, स्काइपर ही कंपनी का, इसको भी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले चलिए इसका हम कवर हटाते हैं। कवर के बाद हम लोग कपड़े का कवर हटाते हैं, फिर हम लोग पॉलीथीन को हटाते हैं। पॉलीथीन को हटाने के बाद फिर हम लोग इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए फुट स्क्रू को हम लोग लूज कर देते हैं। लूज करने के बाद जो अपना होल्डिंग बटन है उसको भी हम लोग तीनों फुट उसको लूज कर देते हैं। होल्डिंग बटन को भी हम लोग लूज करके क्या करते हैं, ट्राईपॉड को ओपन कर लेते हैं और रिटर्न फिर हम लोग उसको पुश करके और फुट स्क्रू को टाइट करके रिटर्न हम लोग उसको सेट कर देते हैं। सेट करने के लिए हमें तीनों लेग जो होते हैं ट्राईपॉड को उसको सेम एंगल में रखा जाता है और जो टॉप सरफेस होता है वो एक लेवल पे होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान देना है। इसके बाद अब चलिए जो ये है अपना, ये इससे हम लोग ऑटो लेवल को यहाँ पे फिक्स करके होल्ड करते हैं। जो ये भी होल्डिंग बटन है, होल्डिंग स्क्रू है, होल्डिंग स्क्रू से हम लोग ऑटो लेवल को होल्ड करके रखते हैं। स्काइपर कंपनी का ये ऑटो लेबल है। ऑटो लेबल पे देखिए ऑटो लेबल का नंबर मार्क होता है, हर ऑटो लेबल का अलग अलग नंबर होता है। जैसे इधर देखिए इस साइड में दिया हुआ है, ये दिया है। इसके बाद इसमें जूम आउट जूम इन का बटन है, बबल को हम लोग इसको सेट करते हैं। ये कुछ हमारा इसका साफ करने के लिए लेंस है, ये मैनुअल गाइड है, इसको खोल के आप देख लीजिएगा। और ये अपना कवर है, ये ऑटो लेबल का कवर है, उसको रखने के लिए हम लोग डस्ट वगैरह ना जाए, डस्ट से बचाने के लिए पॉलीथीन का ये कवर है, इससे हम ऑटो लेबल को ढक देंगे काम होने के बाद। चलिए अब ऑटो लेबल को हम लोग सेट करते हैं। ऑटो लेबल को सेट करने के लिए हम लोग होल्डिंग बटन से इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद जो बबल है, बबल को हम लोग देखते हैं। बबल को पहले हम लोग ट्राईपॉड के लेग से मैक्सिमम हम लोग उसको सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद जो अपने 3 फुट हैं ऑटो लेवल के उसको धीरे धीरे एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करके हम लोग बबल को सेट कर लेते हैं। ध्यान रहना चाहिए ज़्यादा फुट को हम लोगों को ज़्यादा नहीं ओपन करना है, मैक्सिमम हम लोग लेग से ही पहले लेवल कर लेंगे। लेवल करने के बाद जब अपना बबल सेंटर में आ जाएगा तब समझ लीजिए अपना ऑटो लेवल।